ही मुझसे कुछ समय पहले मिले और मेरे पास आकर के उन्होंने कहा कि मैम मुझे सक्सेस सेमिनार की कुछ टिकट्स चाहिए एंड उनकी आंखों से वो लीडरशिप क्वालिटी दिख रही थी, उनकी बातों से वो लीडरशिप क्वालिटी दिख रही थी, तो मैंने उनको कुछ चंद सवाल पूछे और जब मैं वो सवाल पूछ रही थी तो मैं खुद हैरान हो गई थी, व्हाट अ अमेजिंग पर्सन, मतलब क्या सोच, किस तरीके का काम। एंड उससे मैंने अनिल जी को बोला कि आप सक्सेस सेमिनार में आएंगे तो मैं आपसे वहीं पे वही सवाल करूंगी और आप बताइएगा सारे हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उन सबको बताइएगा ताकि सबको प्रेरणा मिले। आप भी कर सकते हो, अगर अनिल जी कर सकते, इतने लोग आज इस चीज में कामयाब हो रहे हैं, तो चंद सवाल मैं अनिल जी से करना चाहूंगी। अनिल जी, आपने ये बिजनेस कब शुरू किया? लगभग 28-29 महीने हुए। ओके, आपने जब काम शुरू करा तो आप नौकरी कर रहे थे, राइट? तो आप बताएंगे कि नौकरी करते करते आपने कैसे टाइम मैनेज करा? गुड मॉर्निंग साथियों, जैसे कि नाम अनिल कुमार, आगरा से बिलोंग करता हूँ, एजुकेशन मेरी है सिर्फ 6th क्लास। लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स में 2001 से शुरुआत करी थी, 1500 से स्टार्टिंग थी, मेरी हाईएस्ट इनकम वहाँ पे पहुंची थी 2017 तक 16,000 रुपए। लेकिन 16,000 करते करते क्या हुआ, जब दो बच्चे थे, फैमिली थी, मम्मी पापा आते थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कब सैलरी आती थी, कब खत्म हो जाती पता ही नहीं लगता था। तो इसी तरीके से आज से 2.5 साल पहले मैंने ये बैचिंग का प्लेटफॉर्म देखा और यही एक सेमिनार ऐसा था कि इस सेमिनार के अंदर हमने यहाँ पे ट्रेनिंग ली और मैंने सीखा कि हाँ भाई यही प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे तुम्हारी लाइफ बदलेगी। लेकिन जो मैंने यहाँ देखा था 1-2 लाख उसी तरीके के मैं लोगों को बताता गया कि भाई 1 लाख कमाते, 2 लाख कमाते, लेकिन सब लोग मुझे कहने लगे पागल है। लेकिन मैंने ये सोचा भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। लेकिन मेरी गलती ये थी, जिसकी इनकम 10,000 थी मैं उसको 1 लाख का सपना दिखा रहा था तो पागल तो बोले भाई, अगर जिसकी 10,000 रुपये इनकम है तो मैं 20,000 बोलता, 15,000 बोलता, 25,000 बोलता। लेकिन मैंने सोचा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जैसे मैंने देखा अपने आप को कि कैसे बोलना है, किस तरीके से करना है, और गोविंदपुरी में रहता था, मेरे आसपास में हेड ऑफिस है, बहुत नज़दीक है, मेरे घर से भी 1 किलोमीटर दूर है और 0.5 किलोमीटर मेरी ऑफिस पड़ती है। अब जिस तरीके से मैं ऑफिस जाता था, सुबह 9 बजे जाता था और शाम को 7 बजे आता था और लंच का ही टाइम हुआ करता था मेरे पास, जो कि लंच के अंदर मेरे को 0.5 घंटे का टाइम मिलता था। अब मैं सोचता मेरे पास टाइम तो है नहीं वेस्टेज करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरा लंच टाइम होता था ना, मैंने अपना खाना भी तैयार किया था, खाना भी नहीं खाता था मैं। डेढ़ बजे लंच होता था, 2 बजे का टाइम होता था और मैं इसी टाइम कॉल पे ही अपनी सेटिंग कर लेता था कि भाई आपको 1:25 पे हेड ऑफिस पहुंचना है, मैं सिर्फ इतने बजे से इतने तक टाइम दे पाऊंगा, उसी में आपको प्लान भी दिखाना है, आपकी आईडी भी लगानी है। इसी तरीके से लगभग मैंने 1.5 साल लिया, 1.5 साल में मेरी इनकम वहाँ से, मतलब 8 या 9 महीने मेरा डायरेक्टर हुआ, जो पहला चेक आया था मेरा 23 रुपये और फिर मेरा दूसरा आया था 5.8% हुआ था 290, जैसे डायरेक्टर हुआ 8 महीने के अंदर मेरा वहाँ से आ गया 16,000 रुपये। जब मेरा 16,000 आया, 16,000 आते आते क्या हुआ, मैंने बॉस को बोल दिया सर मेरे को रिजाइन चाहिए। कह रहे क्यों रिजाइन चाहिए? मैंने सर 26 दिन जॉब करता हूँ, आप मुझे दे रहे हो 16,000 और मैं वैसे 4 दिन संडे कर रहा हूँ और 0.5 घंटा कर रहा हूँ लंच टाइम और मेरे को वैसे दे रही है 16,000। कह रहे कोई बात नहीं, आपका 16,000 आए चाहे 50,000 है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर आपकी सैलरी बढ़ानी है तो मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ। मेरे वहाँ से सैलरी बढ़ा दी, 1,000 मेरे एक्स्ट्रा कर दिया, 17,000 कर दिया। फिर जिस तरीके से मेरे सीनियर ने बोला कि आपको VIP में आना है, सेमिनार में आना है, मैंने उस टाइम भी सर से बोला कि सर मुझे सेमिनार में जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। कह रहे क्यों छुट्टी चाहिए? मैंने कहा मेरे को सेमिनार में जाना है। कह रहे यहाँ पे काम कौन करेगा, या तो वैसे देख लो या काम देख लो। मैं सर जो मंडे की जो टाइम होता है ना, मैं नाइट लगा लूंगा, पूरी रात करूंगा, लेकिन वैस्टेज मुझे करना है तो करना है। उसी टाइम मेरे बॉस ने मेरी छुट्टी दे दी और छुट्टी के साथ साथ मैं फ्री हो गया। अगले दिन मैं सेमिनार में आ गया, जितने लोगों को बिठाते गया, CNT में आते गया, मीटिंग में आते गया, मेरा चेक पहुंच गया 43,000 रुपये। जैसे 43,000 पहुंचा, मैं बॉस के पास गया कि सर अब तो हिसाब चाहिए। कह रहे क्यों? कि मेरी इनकम यहाँ से 43,000 आ रही है। कह रहे 43,000 है कोई बात नहीं, तुम्हारा 1 लाख आए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी 2,000 रुपये बढ़ा देता हूँ। बॉस ने मेरी 2,000 बढ़ा दी। कैसे 2,000 बढ़ा दी? 2,000 बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ कि फिर मेरे को और अच्छा मिला, मुझे इन्वाइट किया गया था सक्सेस बाई चॉइस, 3 दिन की छुट्टी। उसके लिए मैंने अपने बॉस को बोला सर मेरे सक्सेस बाई चॉइस के लिए जाना, मुझे 3 दिन छुट्टी दे दो। कह रहे ठीक है 3 दिन नाइट लगा लो। मैंने 3 दिन 4 दिन नाइट लगाई, नाइट के साथ साथ जो मैंने वहाँ सीखा, अपना टारगेट वहाँ पे लिख के आया था कि मेरी इनकम 50,000 होगी, लेकिन यहाँ से मेरी इनकम होगी 56,000।
क्यों लिखा, अगर मैं 2 लाख लिखता ना तो आज मैं 1.5 लाख में तो आ गई। मीटिंग में गया, मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मेरे को अब जॉब नहीं करनी। कह रहे क्यों? मैंने बोला एक बात बताओ, 18 साल से जॉब कर रहा हूँ, मेरी इनकम 20,000 से ऊपर नहीं पहुँच रही है, आपके पास जो मैनेजर है उसकी भी इनकम कितनी है? 40,000 है। वो पढ़ी कहाँ तक है? बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसकी इनकम नहीं पहुँच रही है। और मेरी इनकम कितनी होगी और मेरी एजुकेशन कितनी है? सिर्फ 6 लाख। तो मैं आप बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, 56,000 रुपये मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। जैसे मैंने क्विट करी अभी 3 महीना हुआ 4 महीना हुआ जॉब छोड़े हुए, अभी मेरी इनकम कंटिन्यू 3 महीने से आ रही है 73,000 रुपये महीने। अनिल जी, आपने मुझे कहा था उस दिन कि आप जो है अब 12 लाख की गाड़ी लेकर के प्लान शो करने जाते हो, अपनी पासबुक साथ में रखते हो और पासपोर्ट साथ में रखते हो, वही काम हो जाता है, ऐसे ही होता है क्या? थोड़ा बताएंगे आप। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, उनसे मेरा सवाल ये था कि प्लान शो करते हो आप, तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया आप उन्हीं से सुनिए। जैसे कि मेरे सपने तो बहुत थे, मेरे पापा ने काफी टाइम पहले बोला था एक गाड़ी तो चाहिए, 15,000 सैलरी है तो क्यों ना हम नैनो ले लेते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए की। लेकिन मैंने मेरी ना हैसियत नहीं थी कि नैनो ले लूंगा, कि अभी तो बता रहा हूँ मैं आज भी लगभग 20 साल से नवजीवन के एमपी झुग्गियों में रहता हूँ, मैं आज भी झुग्गियों में रहता हूँ। लेकिन मेरा एक डिसीजन है कि मैं ग्रेटर नोएडा में अपना यहाँ से फ्लैट लूंगा, कम से कम 40 लाख का होगा, जो कि मेरे टीम से कम 100 डायरेक्टर होंगे जो मेरे को उन झुग्गियों से बैंड बाजों के साथ उस महल के अंदर लेके जाएंगे। जो मैंने गाड़ी पहले मैंने सोची थी सिलेरियो ले लूंगा, उसमें 300-400-500 रुपए की सीएनजी भरूंगा और मैं चला करूंगा। लेकिन फिर मैं सोचा कि भाई जिस जगह तू रह रहा ना ऑलरेडी लोगों के पास सिलेरियो है, स्विफ्ट है, 8,000-10 लाख की तेरे पास ऑलरेडी पड़ोस में है, अगर तू पड़ोस में रह के 8,00,000-10,00,000 की गाड़ी लेगा तो फिर तेरे में और उसमें फर्क क्या रहा? तो फिर मैंने सोचा मैं ऐसी गाड़ी लूंगा जिसकी छत भी खुली हो, आगे भी एसी, पीछे भी होती एसी और मोटे मोटे पहिए होने चाहिए। वो गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है 12.5 लाख की होंडा ही लेनी हूँ टॉप मॉडल। सवाल ये था मेरा कि आप प्लान शो करते हो, एक मिनट, अभी तक तो जैसे था प्लान शो तो कर लेता हूँ, लेकिन समझ जाता था, 10 को बोलता था 2 हाँ करते थे करते, लेकिन आज की डेट में क्या है जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ज़्यादा डीप में जाता ही नहीं हूँ, कहीं कहीं मार खा जाता हूँ, अपने अप्लाइंस अच्छा नहीं दिखाता, लेकिन हाँ ये ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन गाड़ी आने से मैं दावा कर रहा हूँ, जो भी स्टार डायरेक्टर है 10 लाख से नीचे गाड़ी मत लेना, गाड़ी लेना पड़ी और ज्वाइनिंग तो अपने आप आ जाएगी। अभी आपके टीम में कितने डायरेक्टर ऑल अबाउट निकल चुके हैं? मेरी टीम में लगभग 26-27 डायरेक्टर हैं, 4 सिल्वर हैं, 4 गोल्ड हैं, और हो सकता है कि अगले नेक्स्ट मंथ 3 स्टार और निकल सकते हैं, और हो सकता है अगले महीने मेरा डायमंड हो जाए, और यहाँ से जनवरी या फरवरी का मेरा पूरा टारगेट है कि मेरा क्राउन होगा और इनकम होगी यहाँ से 3 लाख रुपए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया। एंड आप एक लास्ट सवाल है, आपका जो ड्रीम कार है और ड्रीम इनकम है वो आप हमारे साथ शेयर करें। ड्रीम कार तो ये है कि जब संतोष सर, एक बार संतोष सर का नाम आ गया था जोर का तालियां गूंज के लिए, जब संतोष सर की गाड़ी आई थी ना तो मुझे किसी ने इनवाइट किया था हमारे अपलाइन ने कि संतोष सर की गाड़ी आ रही है। मैं जब देखने के लिए गया था ना उनकी गाड़ी को लेने के लिए लगभग 150 से 200 लोग गए थे और मैं हैरान हो गया था एक कार लेने के लिए इतने लोग, और मैं उसी टाइम पसंद आया था जब मेरा बेटा वहां पे वीडियो बना बना के घूम रहा था, वो ऑडी में ही घूम रहा था और उन्होंने देख ली Q7 मेरे बेटे ने, और Q7 मेरी होगी 2024 या 2023 के अंदर। और मैंने उसी टाइम मैं डिसीजन लिया था कि ये जो जितने लोग यहाँ पर है ना उससे ज्यादा मेरे होंगे, और जब मेरी गाड़ी आई थी ना लगभग हेड ऑफिस में भी थे 150 से 200 लोग और शोरूम में अलग थे लगभग 300 लोग मेरी कार में आए थे इस टाइम। थैंक यू सो मच